आज के वीडियो में व्यू का ये 65 इंच का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है 65LX। ये हमने पावर दे दिया है, ठीक है। ये पावर सप्लाई नहीं लाए थे तो हमने कनेक्शन कर दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ओके, पावर दे देते हैं इसको और साथ में मदरबोर्ड टेस्टर को भी पावर दे देते हैं। ये मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन तो हो गया, स्टैंड बाई में है अभी, ठीक है। इसको पावर दिया हमने और चालू भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम है इसकी। ओके, इसको आज हम ठीक करके बताएंगे। आधी पिक्चर में ये हिलता रहता है और जो टेक्नीशियन लेके आए हैं उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ी देर बाद ये पैटर्न मोड में भी चले जाता है, मतलब इसमें जो पैनल लगी हुई है वो अपने आप ही पैटर्न जनरेट करने लगती है आफ्टर सम टाइम। जानकारी दे दें, कोलकाता की ट्रेनिंग, 3 दिन की सेमिनार, 20, 21, 22 फरवरी 2026 को है ये। एडवांस बुकिंग करनी है, जल्दी से एडवांस बुकिंग कर लीजिए क्योंकि सीट्स जल्दी जल्दी फुल हो रही है। तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं कोलकाता की ये ट्रेनिंग के लिए। इसमें हम क्या कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर, अब देखो ये फॉल्ट और ये दोनों चीज़ मैं साथ में दिखा रहा हूँ। ओके, अब देखना, अभी मैंने ये प्रोसेसर को प्रेस किया, प्रेस करने से कभी कभी ये ठीक भी हो जाता है। अब ये देखो ये ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रेस किया मैंने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक हो गया। मैं अब छोड़ रहा हूँ तो देखो ये प्रॉब्लम चालू हो गई। तो ये प्रोसेसर की ड्राई शोल्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन डायोड टेस्ट थ्योरी जिसका मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि डायोड टेस्ट थ्योरी से भी हम पता कर सकते हैं अगर जो हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है इसमें, और उससे हमें पता भी चलेगा कि अभी प्रोसेसर के साथ हमें क्या करना है। तो अभी हम ऑन करके देख लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। पहले देखें, पिक्चर आ जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोसेसर को दबाते हैं ये फॉल्ट है। अभी हम हिला रहे हैं तो हाफ पिक्चर जो है, ठीक है, वो इस तरह से वाइब्रेट करती है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए अभी हम प्रोसेसर को रीफ्लो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर है, इसमें स्टार्ट बटन दबाने के बाद सेटिंग में क्या टेम्परेचर रखा है वो सब कोलकाता की ट्रेनिंग में और अहमदाबाद की ट्रेनिंग में मैं बताऊँगा। अभी हम स्टार्ट बटन दबा के मशीन को चालू कर लेते हैं। अभी हम आईसी को मूवमेंट देंगे, ठीक है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी वरना वह आईसी बाहर चले जाएगी। तो 32 पे पूरा कंप्लीट होगा। देखो ये हिली, ठीक है, तो ये हमारा काम अब सक्सेस हो गया है। यहाँ 280 डिग्री चल रहा था, 232 सेकंड पे 3 सेकंड का होल्ड टाइम था, उसके बाद कूलिंग पीरियड चालू हुआ, कूलिंग लाइट यहाँ ऑन हो गई है। तो यहाँ पे डायोड टेस्ट से हम अब चेक कर पाएंगे ये जो प्रोसेसर के अंदर जो दिक्कत थी डेटा लाइन की, जो LVDS में जा रही है 4K सिग्नल, सारे इक्वल है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर 0.411, ठीक है, बराबर है। दूसरी जोड़ी देख रहे हैं अभी, ये ओपन लग रही है, देखो ये ओपन है, ओके, ये ओके है, ये ओपन है, ये इस पे ध्यान, ये पास में लाना मोबाइल, ये पॉइंट हम PF पे चेक कर रहे हैं, ये ओपन है, ओके, और ये ठीक है। अब बाकी चेक कर लेते हैं और भी, अगर जो ये हाल है तो हमें प्रोसेसर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे, किस तरह से मैं जजमेंट ले रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। अब भी सेम रहा तो क्या हमारी मेहनत वेस्ट होगी। तो हम कलकत्ता की और अहमदाबाद की ट्रेनिंग में ये सिखाएंगे आपको कि गधा मजूरी से बेटर है कि आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिससे आप गधा मजूरी से बचो, ठीक है। तो ये अभी हम करने वाले हैं, तो अभी फिर से हम मशीन पे रखेंगे। और देखो अभी मैंने बोर्ड चेक भी नहीं किया है ना, मैंने, मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है,
तो ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कब होगा, जब अच्छा नॉलेज होगा आपके पास। नॉलेज कब होगा, जब विनोद कैनी वहाँ आएंगे आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये 2021 और 22 की आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आपका फ्यूचर है। अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकाल रहे हैं, तो अभी हमने दोबारा से पेस्ट लगा दिया है, सेटअप वही रहेगा बिकॉज हमने जो प्रोफाइल रखी है सेम है। ऑपरेशन बटन दबाएंगे तो वही प्रोफाइल पे चलेगी मशीन। अभी हम स्टार्ट बटन दबा देते हैं, लेज़र लाइट हमारी परफेक्ट है, स्टार्ट बटन दबा के मशीन को चालू कर लेते हैं। अब हमें आईसी उठानी है, ठीक है, वैक्यूम काम कर रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। ओके, इट्स वर्किंग। तो आईसी उठाने के लिए अभी हमारा नोजल तैयार है, इसको थोड़ा पास में से दिखाइए, पेस्ट नहीं दिख रहा है दूर से। और तुम जूम के जूम कर रहे हो क्या दूर से? देखिए दाने आ गए, तुम जितना पास जाके जूम करोगे वो मतलब वो सही रहेगा। तो अभी हमने वैक्यूम ऑन कर लिया है, वेट कर रहे हैं, ये बदल बस से हमें आईसी को उठा लेना है। नोजल हमने पहले ही चेक कर लिया है, नोजल पिक कर लेगा आईसी को। अब देखो ये चेक भी कर सकते हैं, ये काम हुआ है कि नहीं। अभी देखो ये आईसी यहीं से भी उठा सकते हैं। है ना, दिख रहा है? सो हमने ये नीचे जो आईसी के नीचे है वो बाहर से चेक कर लिया। कैसे? ये है कलकत्ता की ट्रेनिंग में मिलेगा आपको, अहमदाबाद की ट्रेनिंग में, विनोद कैनी की फेवरेट जो ट्रेनिंग होती है, सभी की फेवरेट, वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी दोस्तों। सो ये जो ट्रैक है यहाँ पे, जैसे ये चमक दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं है। सो इसे अभी हम यहाँ पर एक ट्रैक बना देंगे लंबी सी, एक यहाँ से घिसना चालू करेंगे एंड तक, और यहाँ ला के छोड़ देंगे ट्रैक को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कंटिन्यूटी है बॉल की वो हमें LVDS तक पहुँच जाएगी, ठीक है, ये जगह पे कंटिन्यूटी आ जाएगी बॉल की। ये ट्रैक दिखा दो पहले जो हम ट्रेस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में मीटर है। ओके, अभी हमने यहाँ पर पास में से दिखाना, ये जो मैं टच कर रहा हूँ, तो ये ट्रैक हमने यहाँ तक बना दी है और ये राउंड किया है ताकि बॉल इसको टच हो जाए। तो ये परफेक्ट हमने काम किया है। और ये भी देख लेते हैं, ग्राउंड से टच नहीं है, ये बाजू की ट्रैक ग्राउंड होती है। और दूसरा, ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं है। ओके, सो कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको कि रिबॉलिंग कैसे की जाती है, स्टेंसिल का चुनाव कैसे होता है, ये सभी कुछ। सो अहमदाबाद की भी ट्रेनिंग, उसमें भी ये सब कुछ होगा। 5 दिन की अहमदाबाद की ट्रेनिंग जो 1 दिसंबर को स्टार्ट होगी, और उसका जो टाइम रहेगा 9 से लेकर 5 बजे तक, और 5 दिन की पूरी ट्रेनिंग होगी, चिप लेवल ट्रेनिंग। सो अगर जो किसी को भी अहमदाबाद में आके ट्रेनिंग लेनी हो यहाँ पर वर्कशॉप पे, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको फ्लैश कर रहा है ऊपर स्क्रीन पर ही, उसी पे आपको फ़ोन करके बुकिंग करनी है, सीट की बुकिंग करनी इम्पॉर्टेंट होती है। लाइट ऑन कर दो। नहीं, इंडिया में सही है। नहीं नहीं, पूरा इवेंट में घूम के आएंगे वापस, एक दिन के लिए भी नहीं ना, साला कोरोना लेके आवे। अरे यार, अभी कितने सारे वहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, सब कंपनियाँ लोग आ रही है, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आने वाले, सब कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रैक हमने जो ज्वाइंट की थी परफेक्ट ज्वाइंट की है। अभी आईसी हम लगा देते हैं, राइट वाली, ठीक है। हमें फर्स्ट पिन देखते हुए आईसी को अच्छे से बिठा रहे हैं।
एसी से लगने के बाद कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको कि प्रोफाइल परफेक्ट कौन सी होगी जिससे आईसी अच्छे से निकल भी जाए और लग भी जाए। अभी ट्रेनिंग 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है, 20, 21, 22 फरवरी 2026। 1000 आपको एडवांस बुकिंग के लिए पेमेंट करना है और 9000 ट्रेनिंग के टाइम आके देना है और 10000 टोटल फीस है। और यहाँ पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। अभी देखो ये फाइनल मोमेंट चल रहा है, इस समय पे कभी भी बजर बज सकता है। तो ये आप देखना इसमें कितने सेकंड के बाद, ये 32 पे 31 पे हुआ और पुलिंग 35 पे स्टार्ट हुई। तो अभी इस मशीन में हमें 4 सेकंड में अगर जो आईसी उठानी हो तो बजर बजने के 4 सेकंड के अंदर उठानी है। 410 और उसके बाजू वाली 0.41 हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेस। तो हमारी रिबॉलिंग सक्सेस हुई है। सभी बॉल्स चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं फाइनली हमारी जो प्रॉब्लम थी, हाफ पिक्चर जो है, हाफ पिक्चर यहाँ का इस ट्रैक की वजह से था। अब चालू करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पावर देना है। स्टैंड बाई में देखो ये इतने रहेगा, 0.002, ओके। और जैसे ऑन करेंगे ये ब्लिंक करेगा और ये बढ़ के टेम्परेचर जो है ये दिखा दें, 350। छोटा ओ एच डी एम आई घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी सप्लाई हमने क्योंकि एक ही दी है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट से हम ऑडियो एम्पलीफायर को भी सप्लाई दे रहे हैं इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एम्पलीफायर दिखा दो 0.020, ये इतना एम्पीयर खर्च कर रहा है ये आईसी। ठीक है, ये एमएमसी आईसी निकाल के फिर लगाना है, रिबॉलिंग भी करनी है। ये सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में, मैं 20 फरवरी 2026 को कोलकाता आ रहा हूँ, 3 दिन की सेमिनार है। आपको दिए गए नंबर पर फ़ोन करना है 9724584872, या आप अहमदाबाद में 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं। अहमदाबाद में 5 दिन की ट्रेनिंग है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को इस साल, ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक है ट्रेनिंग, 1 to 5। ठीक है, आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी यहाँ पर अहमदाबाद में। इसके लिए भी आपको कॉल करने के लिए ये नंबर है 9724584872, इस पर कॉल करके अपना नाम लिखवा दो, उसके बाद मैं बताऊंगा उस तरह से आपको एडवांस पेमेंट करके बुकिंग कर लेनी है 5 दिन की अहमदाबाद की ट्रेनिंग। ये तो फटाफट फुल हो जाएगी बिकॉज हम 5 से 7 मेंबर लेते हैं अहमदाबाद की ट्रेनिंग में, 5 to 7 मेंबर्स ओनली। ठीक है, तो ये जल्दी फुल हो जाती है। अगर जो अहमदाबाद में आपको ट्रेनिंग लेनी है तो 5 to 7 मेंबर्स की ट्रेनिंग है, तो जल्दी से करना है आपको, फटाफट अपनी उंगलियाँ दबा देनी है फटाफट डायल पैड पे, नंबर डायल कर लेना है 9724584872। समय है डायल करने का भी, ऐसा नहीं कि आप रात में 10 बजे कॉल कर रहे हैं, 9 to 6 के बीच में आपको कॉल करना है आपको सीट रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, इस नंबर पर।